रहमान रहीम अपने YouTube चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। तो अभी मैं आया हूँ वार्ड मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सामान था ले और साइजिंग के लिए चाहिए थी बेस। शॉपिंग मैंने कर ली है सारी आज की, बिजी रहा सारा दिन। सबसे पहले तो अपना एक सेंसर आना था कराची से, दो तीन दिन उसने अपना वक्त डाला हुआ था, वो मिला है तो मैंने वो पार्सल आगे भेज दिया है। तो बाकी कुछ सामान वगैरह लिया है, अभी उस बाढ़ मार्केट से और भी लोहे का सामान लेना था, इलेक्ट्रॉनिक का भी कार आ गई फैक्ट्री से तो वो लेना है। उसके बाद रीटे उठानी है, एक और पार्सल है कनार रोड से वो उठाना है। तो अभी तकरीबन एक दो घंटे लग जाने हैं बाज़ार में मेरे। तो ख़ास दिन लग रहा है मेरे ख्याल में, टीसीएस ऑफिस गया था उधर से कोई अपना काम नहीं हुआ, पार्सल अभी तक नहीं पहुंचा कराची से, तो वो कल पहुंचेगा। रीडे लेनी थी वो बंदे का, दो घंटे हो गए नंबर बन जा रहा है, उससे भी कोई रबता नहीं हो पा रहा। अभी राशद भाई के पास आया हूँ पार्सल लेने, अगर लग रहे वो ही कुछ दे दें। तो बाकी सामान तो काफ़ी खरीदारी की है आज, बस पार्सलों ने परसों चाव से मुझे अपना काफ़ी रोने वाला किया हुआ है, दुमें हमारी बंद पड़ी है, सामान आ नहीं रहा कराची से, दूर से सामान मंगाने का यही मसला है, कभी टाइम पे आ जाता है कभी नहीं आता। पार्सल ला के उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, इकट्ठा ही भेजा था, एक मिल गया है तो एक नहीं मिला, परसों भी ऐसे ही हुआ था, तो अल्लाह ही ख्याल करे। हाँ जी, तो अपना फैक्ट्री पहुंच चुका हूँ, 7 बज चुके हैं। मेरा तो इरादा यही था कि आज टाइम से घर चले जाएँ, पर तकरीबन लेट फिर हो गए हैं आज, आज तकरीबन हफ्ता ही हो चुका है मुझे, 7-8 रोज़ हो जाते हैं। घर से भी फ़ोन आ रहे थे कि अभी पहुँचे नहीं, तो बस इधर एक बंदा आ गया था उससे काम था कुछ, तो वो करते करते घंटा गुजर गया इधर, फिर वही टाइम हो गया। तो अभी लड़के को मैंने बाज़ार भेजा है, अभी सामान एक उधर रह गया था, वो बंदा फ़ोन ही उठा रहा था, उसकी लाइट ऑफ ही अभी रहता हुआ है, तो वो लेने गया हुआ है बाइक मेरी, वो ले गया, अभी मैं पैदल जाऊँगा घर। हाँ जी, तो जनाब घर हो गई है वापसी, 8 बज चुके हैं। निकलते निकलते फिर टाइम लग गया काफ़ी, तो एक फैक्ट्री और में जाना था, वो लड़के ने रास्ते में सामान पकड़ाया था, वो कह रहा था मुझसे जाया नहीं जाना, सुबह छुट्टी है, तो आप पकड़ाए उनको, तो साथ ही गांव था वहाँ पे फैक्ट्री थी, वहाँ पे सामान पकड़ाना था कुछ, तो बस उधर कुछ थोड़ा सा टाइम लग गया। अभी घर आए हैं, 8 बज चुके हैं, तो फ्रेश होके कुछ खाना वाना खाते हैं। तो अभी मानो के लिए मैं ये देखें, ये देखो मानो चीज़ों से खेल रही है, इसके रिस्के ख़त्म हो चुके थे स्लांटी वगैरह, तो मैंने कहा चलो जाते जाते वो ही लेता जाता हूँ। घर के लिए कुछ अपना ग्रॉसरी का सामान चाहिए था वो लेके आया हूँ, कुछ मानो के लिए सामान लाया हूँ। मानो छो ना, इधर इधर देखो, क्या है ये जी, कह रही थी जी, पतली सी बात से ऐसे ये चीज़ें इसको खोल के ना दें तो फिर ये हाथ से ना ये मसल देती है ऐसे, खोल के देना इसे बेहतर है जनाब, ये तो बड़ी। क्या कर रही हो, ये क्या है ब्रो, ये ऐसे करती है, जोर जमाई करती है इसके साथ। दिन आज फिर बड़ा मसरूफ गुजरा है, काफ़ी दिन हो गए हैं टाइम से घर आ ही नहीं होता, तकरीबन 8-9 बज जाते हैं रोज़ ही, क्या कर सकता है बंदा, चलें कोई नहीं। आजकल ज़रा ना लूमे दोबारा चल रही है, बंद थी काफ़ी देर से, तो सर बस काम भी ज़्यादा निकल रहा है तो मसरूफी इस वजह से ज़्यादा हो गई है। शोना पूरब, अच्छा लड़का गया हुआ बाजार, अगे उन्होंने कॉल की सी तो अपना कहना मैं अद्धे घंटे तक आना, तो मैं वो वेट कर रहा, मैं चलो 10 मिनट जाफर को बैठ जाए गल बात कर दे, कजन की शादी आई है, जाफर साहब का भी दोस्त है तो बारे डिस्कस हो रही थी थोड़ी देर पहले, मजाक कर रहा मैं बरात तकरीब जानी है तो कहना गाड़ी गाड़ी कराई है, तकरीबन इतना सिर्फ पैदल 2 मिनट का सफर आ बरात का, कह रहा जनाब गाड़ी गाड़ी कराई है,
मैं क्या जिन्ना फासला वा गाड़ी का अगला टायर बरादल जी कहते पहुँच जाना तो जितों घरों पिछला टायर होना गाड़ी के बच्चों अगले गेट थे निकल के बरादल जगह तो चल जाएंगे क्यों जाफर इदा नहीं पता नहीं नासर पुछांगा मैं उसे पुछना सी इरादा जाफर लगा रहे इस टाइम चिली मिली पान मजा उस तो बाद है जाफर रोटी मिली टाफिया ब्रांड ही इन्ने आ गए पता नहीं लगता साढ़े दौर चो ही आ जा कि जाफर और स्पेसर होंगी सी क्लेयर होंगी सी एक होस्ट होंगी सी बुढ़ी बुढ़ल मच्छी बिस्किटियां स्कूल दौर च वह भी तरसी ही उन्होंने चीज़ों भी लैन ली बस दो अद्धे नहीं एक दो रुपए गोल होंगे सी तो भी इदा होती सी इदा पता नहीं आखिरी है हैं हर चीज ही तो नयाब होंगी सी बहुत बहुत वरायटी है कंपीटिशन बहुत ज्यादा हर टॉफी चा देखो ना रैक भरया पाया तो एल कुछ नहीं है 0% मेरे हिसाब से जिनी वरायटी है मार्केट के देना जाफर 10 बज चुके हैं जी रात के तो बाइक मेरी अभी आई है लगता है रास्ते में लड़का एंजॉय करने लग गया था तो अभी वो बस स्टॉप से वापस आ रहा है तो मैं उसे छोड़ के आऊँगा फैक्ट्री फिर आऊँगा घर अभी तक मैंने खाना नहीं खाया हुआ शाम टाइम मैंने अपना समोसे खा लिए थे तो दिल भर गया मेरा भूख नहीं थी तो अभी थोड़ी सी भूख लगना शुरू हुई है तैयब को छोड़ के फिर आके खाना खाता हूँ मोबाइल चार्ज पर लगाना बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है गाँव शाम को टाइम सुनसान हो जाते देखो कोई चेंद परिंद नहीं हर तरफ सुनसानी अंधेरा गर्मियों च होंदा कि लोग बाहर आ जाते काफ़ी लेट नाइट बाहर बैठे रहते कोई साढ़े मुल्क के हालात ऐसे लोड शेडिंग हो जाती है तो गर्मी तो सताए लोग भी बाहर बैठ जाते सर्दियों फिर हर बंदे अपने घर के बह के इंजॉय करता इंटरनेट टीवी दुकानें गाँव की टाइम से बंद हो जाती है ये देखो अभी तकरीबन 9:30 हो गए हैं तो काफ़ी सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं तो मैं अभी बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ मैंने कहा रास्ते में वो मिलेगा तो उसे उधर ही छोड़ के वापस आ जाऊँगा तो लगता है वो आ गया सामने चले उसको छोड़ के आते हैं पहले फिर आगे घर आके खाना खाते हैं करनी है और मोबाइल भी चार्ज नहीं कर सका था मोबाइल चार्ज करना है तो टाइम काफ़ी हो चुका है वीडियो एडिट करते भी टाइम लग जाना है तो सुबह अर्ली उठना है बच्चों को भी स्कूल छोड़ना है तो मुझे दीजिए इजाज़त उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।